अगर निधि स्वार्थ रहता है तो जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था हमें दोनों पार्टियों ने ऑफर किया था लोकसभा देने के लिए, और हमें इतनी समझ है कि हम किसी एक सीट का चयन कर सकते थे और उस सीट को निकाल सकते थे पार्टी के हैसियत से। वैसे भी सांसद बनना विधायक बनना आज के डेट में हार्ड नहीं है, आज के डेट में लीडर बनना हार्ड है। आज कोई भी अगर किसी पार्टी में चला गया बीजेपी कांग्रेस तो नो डाउट उस पार्टी का ऑलरेडी पहले से होता है। आप वहां भ्रष्टाचारी को टिकट दें, घुसखोर को टिकट दें, कमीशनखोर को टिकट दें या रामचोर को टिकट दें, पार्टी का सिंबल ध्यान देते हैं और उसे जिता देते हैं। तो आज के डेट में विधायक सांसद बनना बड़ा आसान है, अगर कठिन पूछे तो लीडर बनना, लीडर यानी जनता के बीच स्थापित होना। तो अगर हम लोगों की मनसा जरा भी होती अपना व्यक्तिगत स्वार्थ तो हम लोग किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और शपथ ग्रहण का समारोह भी हो चुका होता। लेकिन हमारा मकसद है झारखंड के उस जनमानस को हक अधिकार दिलाना, इस झारखंड के उस तमाम लोगों के हक अधिकार को संरक्षण देना जो आज कई वर्षों से दशकों से सताए जा रहे हैं। आज उन पर बात करने वाला कोई नहीं, आज उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं, इसलिए हम लोगों ने अपने स्वार्थ पर कहीं चर्चा ना करते हुए हमने एक संघर्ष के रास्ते को चुना कि भले ये रास्ता कठिन है, ये रास्ता लंबा है, ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और जैसा भी हो इस झारखंड के जनमानस के लिए हमें उनके अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। देखिए बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे आप लोग भी जो यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित है, शायद आपको लग रहा है कि नहीं टाइगर भाई जब धनबाद बोकारो में कार्यक्रम करते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं, फलामों में आए। बात मैंने बार बार कहा विचारधारा के लिए संख्या मैंने नहीं होती, और कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे पास संख्या नहीं है हमेशा कभी भी काउंटिंग कीजिएगा तो इंसान की गिनती कभी 1 2 3 4 नहीं की जाती। एक बात हम आपको बताएंगे कि अभी भी अगर किसी इंसान को गिनना हो तो आप 1 2 3 करके उनकी गिनती कभी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर जो लोग यहाँ बैठे हैं आप उनको 1 2 3 में मत गिनेगा, उनकी अगर गिनती करनी हो तो हम लोग और एक गिनती जानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सभी के लिए। तो इसी सभागार में जितने लोग हैं आप गिन लीजिए कितनी संख्या में गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब भले आप एक सर लेके यहाँ आए हैं लेकिन आपके विचार कम से कम 10 लोग जरूर मानते हैं। आपके घर वाले हो, आपके गांव वाले हो, आपके मोहल्ले वाले हो, आपके टोले वाले हो, आपके बचपन में पढ़ने वाले प्राइमरी के मित्र हो, सेकेंडरी के मित्र हो, हायर एजुकेशन के मित्र हो, या फिर कॉलेज वाले फ्रेंड हो, या फिर कहीं जा आप ड्यूटी करते वहां के कलीग हो, जरूर ऐसे लोग हैं जो आपके विचारों को मानते हैं, जो आपके विचारों के साथ समर्थन करते हैं। वो हो सके साधन संसाधन नहीं होने के कारण आपके साथ नहीं आ पाते हैं, आपके साथ उस कार्यक्रम तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपके विचारों के साथ हैं। इसीलिए इसमें कभी निराशा जाहिर मत कीजिएगा कि आप संख्या बल में कितने हैं, क्योंकि इंसानों की गिनती इकाई दहाई से गिनी जाती है, आप इस सभागार को गिन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको बड़े करीब से सुना, बड़े करीब से मैं यहाँ की भौगोलिक चीजों को भी जानने का प्रयास मैंने किया, यहाँ की समस्याओं से मैंने परिचय होने का प्रयास किया। और देखिए समस्याएं हैं, नो डाउट जो समस्याएं धनबाद बोकारो में है उन्हीं तर्ज पर यहाँ भी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे पास वहां मास है, हमारे पास वहां एक मजबूत संगठन है। हमारे वहां अगर कोई एक व्हाट्सएप में स्टोरी लगा देता है तो हजारों की संख्या में लोग उस स्थल में पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ का क्या करना होगा कि मास लेवल तक पहुंचना होगा, उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने संगठन का विस्तार करना होगा, लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में हमें जागरूकता फैलानी होगी, लोगों के मुद्दों के साथ हमें छोटे छोटे स्तर में कार्यक्रम करने होंगे, छोटे छोटे स्तर में चाहे धरना हो शांतिपूर्ण तरीके से, प्रखंड आवास में हो, किसी माइंस के विषय को लेकर हो, जिला कार्यालय में हो, उनके मुद्दों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और जब हम जनता के भरोसे को जीतने में कामयाब होंगे, जैसा अभी फिलहाल धनबाद बोकारो की परिस्थितियां हैं, तो नो डाउट लोग आशीर्वाद देने के लिए आगे आएंगे। देखिए लोग बदलाव चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप लोगों को दोषी देंगे कि नहीं आप बदलाव नहीं चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि बदलाव चाहते हैं तो किनके माध्यम से। अभी अगर हम बात करें भानु प्रताप साईं, ये किसी और दल में थे, आज आ गए किसी और दल में, हमारे भी वहां 2-3 विधायक हैं, रणधीर सिंह है, ढुलू महतो है, अमर बावरी है, ये लोगों ने उनको बड़ी उम्मीद के साथ जिताया कि चलिए आप बीजेपी से नाता तोड़ेंगे, जमे माजू कांग्रेस के नाता तोड़ेंगे और उनको किसी अन्य दल से जिताया, लेकिन फिर क्या हुआ वो किसी अन्य दल में चले गए। तो लोग
लोग नहीं चाहते बदलाव, लोग चाहते हैं कि कोई आए, कोई आए राजनीति में, कोई आए विधानसभा लड़ने, कोई आए लोकसभा लड़ने। अगर लोग बदलाव नहीं चाहते तो एक बात बताइए, जयराम महतो को गिरडी लोकसभा से 3.5 लाख वोट नहीं आता, चाहे संजय मेहता को 1.5 लाख, वीरेंद्र नाथ महतो को 1,30,000, इतने वोट नहीं आते। ये कोई मजाक नहीं है, चुनाव हार जीत मत देखिए, लाख वोट क्रॉस करना लोकसभा के चुनाव में ये मामूली बात नहीं है। चंद्रा लिंडा जी निर्दलीय लड़े, लोबिन हेमराम जी निर्दलीय लड़े, कभी रामटार चौधरी जी जो 5 बार के सांसद थे निर्दलीय लड़े, 30,000 वोट आया था। आज लिंडा जी का वोट पता कीजिए, लोबिन जी का वोट पता कीजिए कितना आया। कोडरमा से भी एक जना के दिग्गज नेता निर्दलीय लड़े, हमारे मनोज जी से उनका कम वोट आया था, 20,000 से 22,000 वोट आया था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग को 3.5 लाख वोट मिला, लेकिन अब इस बात की हमें गारंटी देनी होगी कि इस वोट का हम लोग विश्वास करेंगे। ये जो वोट हमें आपने जो विश्वास जताया उस भरोसे को हम लोग जिंदा रखेंगे। अगर हम 3.5 लाख वोट लाए, नो डाउट अब सभी जानते हैं कि 3.5 लाख वोट यानी एक सांसद, बहुत कोई 3.5 लाख 4 लाख में जीतते हैं भाई सांसद। तो अब अगर हम इस वोट को भगा के बीजेपी कांग्रेस में 2029 के चुनाव में चले जाए और फिर हम जनता को दोष दें तो ये गलत बात है। जनता चाहती है बदलाव हो। क्या कोई ऐसा ईमानदार नेता इस मिट्टी में आएगा जो टस से मस ना हो? हमारे विभाग में नेता का नाम है आनंद माधव, बहुत अच्छे नेता है, भले उनके पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एक नेता है, आज लगभग 80 उम्र की उम्र पार कर चुके हैं। वो 2000 से लेकर 2024 तक लगातार जितने भी विधानसभा हुए हार गए, उससे पहले वो 3 बार विधायक थे, विनोद बाबू के टाइम के नेता है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पार्टी से समझौता नहीं किया, उनकी पार्टी का नाम है एमसीसी, कई बार हारे। अगर वो चाहते हैं किसी पर, और जब भी हारे मामूली अंतर से हारे, कभी 4,000 से, कभी 6,000 से, कभी 8,000 से, यानी रनर अप में वही रहे। आज जब से झारखंड राज्य अलग हुआ मैंने उस शख्स को देखा, वे हमेशा रनर अप बन के रहे, लेकिन कभी किसी पार्टी के दामन को नहीं था, कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो शख्स हारते हारते पता नहीं अब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो लाइक दैट जनता नेतृत्व खोज रही है कि कोई लीडर ऐसा है क्या। आप जिस डोलू महतो को आप जानते हैं, जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीद से जुटाया था, फिर जेडीएम में गया, बीजेपी में, तो सवाल है कि जनता किस पे उम्मीद करती है? जनता चाहती है बबलन मांडी की बात कीजिए, जनता ने उनको विधायक किस लिए बनाया, जो बीजेपी कांग्रेस में नहीं है भाई, बीजेपी कांग्रेस को जनता नहीं पसंद कर रही उन गठबंधन को, इसलिए उनको जेडीएम से जिताया। अब फिर आप जीत गए फिर उसी पाले में चले जाए तो जनता क्या, जनता बदलाव चाहती है क्या? नेता ईमानदारी पूर्वक नेतृत्व करना चाहता है क्या? नेता खुद को बदलते हुए नेतृत्व करना चाहता है क्या? नेता उनके भरोसे के साथ नेतृत्व करना चाहता है, यह सवाल है। इस पर अगर हम लोग टिक जाते हैं तो, इसलिए सबसे पहला बात है, अगर हम लोग जनता के विश्वास को जीतना चाहते हैं तो नेता में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी क्वालिटी के साथ अगर नेता जनता के विश्वास को जीतते हैं तो सकते है, जो विधानसभा का चुनाव होगा हम लोग गढ़वा पलामू में अच्छा करेंगे, लेकिन सवाल वही रहेगा कि अच्छा करने के बाद उस शख्स की क्या गारंटी। तो इसलिए पहला प्रयास आप ये कीजिएगा कि अच्छे लोगों को चुनिएगा जो हार जीत से ऊपर की राजनीति करेंगे, जो सत्ता के सुख से ऊपर की राजनीति करेंगे, जो व्यवस्था में बदलाव लाने की राजनीति करेंगे। अगर ऐसे लोगों को आप चुन पाते हैं, ऐसे लोग चयन होकर हमारे बीच आते हैं, तो नो डाउट 2024 में हम लोग अच्छा बदलाव करेंगे और इसमें तो हम लोग सफल होंगे ही होंगे। आने वाला जो समय होगा ना वो युवाओं का समय होगा, वो हमारा समय होगा। अभी मान के चलिए देखिए, जिसका उदय होता है उसका एक दिन अंत होता है, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो आज जिस प्रकार जो हमारे दो क्षेत्रीय दल है वो काफी पुराना दल हो चुका है, उनकी क्या विचारधारा है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, जनता समझ रही है, जनता उनसे उठने लगी है। अगर हम लोग निष्ठापूर्वक चलते हैं, अगर अच्छा काम करते हैं, तो इन फ्यूचर झारखंड की सबसे बड़ी अगर लोकल पार्टी के रूप में कोई रहेगी तो हमारी पार्टी रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको हार जीत सत्ता के सुख से ऊपर एक बहुत दूरदर्शी सोच की राजनीति करनी होगी, तभी यह हो पाएगा। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं, कुछ कुछ क्षेत्रों में हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं। तो इसलिए जितने भी आज हमारे साथी आए हैं, सबसे पहले हम लोग अपने संगठन के विस्तार को मजबूती के साथ करेंगे। और देखिए, जब हम संगठन के विस्तार के लिए जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और उन समस्याओं में सबसे पहले जो हमारे लोग हैं वही हमारे बीच, चूंकि आज जो है कहावत है ना कि भाई 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 का नहीं पड़ता है आपस में, चार अगर भाई है ना तो चारों चार दिशा की बात करते हैं, अगर बड़ा भाई है तो पूरब की राह देखता है, छोटा भाई पश्चिम की राह देखता है। एक ही समय है जब चारों भाई एक ही राह में चलते हैं, जब बाप मर जाए तो कंधा बोड़ अर्थी कंधे में लाते हैं और जोरियात के चाय नदी के किनारे अपने अर्थी को लेकर जाते हैं, तभी चारों भाई एक दिशा में एक साथ एक सोच से चलते हैं। तो जब चार भाई एक नहीं हो पाते हैं तो नो डाउट हम लीडर जो हमारे बीच आएंगे, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनमें अगर सोच में उनके विचार में थोड़ी सी असमानता होगी, उसमें हमें समन्वय करना होगा। तो उसके लिए हम लोग CCC का फॉर्मूला अपनाएंगे,
कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा और उसके साथ कम्युनिकेशन करना होगा। कम्युनिकेशन यानी बातचीत। हम लोग बातचीत में दूरी बना लेते हैं। आज ये दौर ऐसा आया है कि हमारे पास इंस्टाग्राम में लाखों लोग हैं और लगभग 500 से हम रोज बात करते हैं, लेकिन अपने सगे भाई से, सगे बहन से सुबह एक बार हाल चाल नहीं ले पाते हैं कि क्या स्थिति है, क्या हाल समाचार है, कॉलेज की क्या स्थिति है, काम में गए थे तो क्या स्थिति रही। ये हमारी दुनिया है। तो नो डाउट हमें कम्युनिकेशन पे काम करना होगा, कोऑपरेशन पे काम करना होगा, कोऑर्डिनेशन पे काम करना। ट्रिपल सी जिसे हम लोग करते हैं, ट्रिपल सी का और एक ट्रिपल डी का भी फॉर्मूला होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। नो डाउट आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी क्रिएटर हैं, हमें डेडिकेशन की कोई कमी नहीं। डेडिकेशन यानी समर्पण, डिटर्मिनेशन यानी इरादा, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में से हम लोग पीछे हट जाते हैं। मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ कभी कभी हम लोग भी, डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, मतलब कुछ चीजें होती है जैसे हम लोग लेट कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन के ही दायरे में आएगा कि हम लोग कार्यक्रम को 2 बजे दिए थे, वहां लोग इंतजार करते रहे, हम लोग 6 बजे गए तो कहीं ना कहीं उस समय डिसिप्लिन का अनुपालन स्वयं हम भी नहीं कर पाए। तो ये चीजें हमारे साथ हैं। हम लोग डिटर्मिनेशन को अच्छा फॉलो करते हैं, डेडिकेशन लेवल को भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आती है तो थोड़ा हम लोग मार खा जाते हैं। रीजन ये है कि हम लोग यूथ है और यूथ है थोड़ा सा, चाहे खेल का मैदान हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, ये सबको मालूम है। मास्टर साहब 4 बार घर जाते हैं, लपियाते थे तब जूता पहन के जाते थे, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में हम लोग का स्वभाव रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं आज हमें डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि आप अब स्कूल के छात्र नहीं रहे, आप कॉलेज के छात्र नहीं रहे, आप फुटबॉल खेलने वाला एक प्लेयर नहीं रहे, इस राज के अगुवाई करने वाले नेतृत्व करता है, तो डिसिप्लिन मेंटेन आपको करना ही होगा। तो इन सब चीजों पे अगर हम लोग फोकस करते हैं, नो डाउट हमारा संगठन बहुत अच्छा फलेगा फूलेगा। और जब हमारे संगठन का विस्तार हो जाएगा, हमारे उस संगठन में सभी प्रकार के टीम होंगे, एडवाइजरी टीम होंगे, लीगल टीम होंगे, एडवोकेट की टीम होगी, रिटायर्ड वकील की टीम होगी, इंटरनली साइलेंटली प्रोफेसर टीचरों की टीम होगी, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो एकेडमिक लोग हैं उनकी टीम होगी। तो नो डाउट जब उसके बाद जब हमारा संगठन का विस्तार हो जाएगा और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी डिपार्टमेंटल टीम होगी उनके दिशा निर्देश में हम लोग चाहे धरना का माध्यम चुने, हड़ताल का माध्यम चुने या कोई माध्यम चुने, जिससे जनता को हम लोग जनता के हक अधिकार को भी दिला सकते हैं और जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी कर सकते हैं। आज हम लोग धनबाद में क्यों पॉपुलर हुए, आज क्यों कोई नेता हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके कलेजे में वो जान नहीं है। और साफ शब्द में कहा जाए तो उनके पास कलेजा नहीं, कलेजी बचा है। आसान नहीं है भैया आप जिस कंपनी से चंदा लेते हैं उनके खिलाफ बोलेंगे, आसान नहीं है कि आप उनके खिलाफ बोलेंगे जिसके में आप भी शामिल है, ये तो किसी छुपा नहीं है। आज किसी नेता के पुर्जे को खोला जाए मालूम चलेगा किस कॉलेज में उनकी पार्टनरशिप है, इस मॉल में उनका पार्टनरशिप है, इस दुकान में उनका पार्टनरशिप है, दारू के दुकान में उनका पार्टनरशिप है। तो भैया वैसे लोग कहां से टिकेंगे। इसलिए नो डाउट जब हमारे संगठन का विस्तार होगा और फिर जब हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जब जनता के बीच जाकर काम करेंगे, देखिए विचारधारा से ही बदलाव होता है। भगत सिंह की बात कीजिए चाहे नेपोलियन बोनापार्ट की बात कीजिए, उन्होंने एक ही लाइन कहा था कि क्रांति तलवारों से नहीं आती है, क्रांति बंदूकों से नहीं आती है, क्रांति विचारों से आती है। जो क्रांति होती है वो चमकती है विचारों से, वो सजती है विचारों से। तो हमें अपने विचारों को लेकर जाना होगा, हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे आज आप मेरा बात सुने, नो डाउट जितने भी वक्ता थे हमने भी सुना, बीच बीच में थोड़ी नींद आ रही थी क्योंकि तबियत भी खराब है, लेकिन मेरा कान हमेशा अलर्ट था। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक दूसरे को सुनना भी हमें होगा, ऐसा नहीं केवल हम बोलेंगे। और देखिए सुनने से भी फायदा है, विचारों का आदान प्रदान इसलिए फायदा है कि मान के चलिए हमारे जेब में 500 रुपए है और आपके जेब में 500 रुपए है, चलिए हम बदल देते हैं, आप चाहे आपके पास 1000 रुपए है हम इसको बदल देते हैं, बदले में क्या होगा आपके पास भी 500 बचेंगे और मेरे पास भी 500 बचेंगे। लेकिन अगर हमारे पास विचार है और उन विचारों को बदल देते हैं, मेरे पास 500 विचार है आपके पास 500 विचार है, तो कितना बचेंगे, मेरा भी 1000 हो जाएगा आपका भी 1000 हो जाएगा। तो इसलिए एक दूसरे को हमें समझना भी होगा, एक दूसरे को सुनना भी होगा, तभी हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं और तभी अपने संगठन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है संगठन को विस्तार करना। जब कम से कम एक एक पंचायत में भी अगर हमारे बंधुत्व लड़के हो जाएंगे तो कम से कम लोगों को ये तो मालूम होगा कि मैंने हमारी आइडियोलॉजी उस गांव तक है, हमें ये तो आभास होगा कि अगर हम लोग उस गांव में कुछ कार्यक्रम करने जाएंगे तो हमें वहां एक सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए पलामू और गढ़वा की टीम को हमारा पहला संदेश यही होगा
कि हम लोग जो टास्क रहा संगठन को पंचायत लेवल तक बूथ लेवल तक लेकर जाए और उसके बाद हम लोग चुनाव की प्रतीक्षा में नहीं बैठे हैं, हम लोग आंदोलन के माध्यम से हमारा जन्म हुआ हुआ है, हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। अरे जिनको राजनीति करनी और राजनेता बनने की तैयारी करे ना भाई, वो विधायक सांसद बनने की तैयारी करे। हम तो जनता के लिए आए हैं, अगर मौका मिला तो विधानसभा में जाएंगे, मौका नहीं मिला तो ग्राउंड में रहेंगे, मौका नहीं मिला तो धरने में बैठेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ की जनता के हक अधिकार को सुरक्षित रखना और उन्हें हक अधिकार के प्रति जागरूक भी करना, ये हमारा उद्देश्य है। हमें अपने उद्देश्य में कोई समझौता नहीं करना। अगर हम अपने उद्देश्य के साथ समझौता करेंगे तो फिर जनता विश्वास करेंगे। आज बार बार ये मीडिया ने मुझसे सवाल किया तो अब आपकी सोच। हमने कहा कि आज कितनी उम्मीद के साथ आज जनता का एक उम्मीद जगा है। आज अगर हम लोग फिर पुराने नेताओं की तरह काम करेंगे तो फिर जनता 10 साल बाद 20 साल बाद किस पे भरोसा करेगी? हम कैसे उस जनता को दोषी मानेंगे? इसलिए अगर दोषी है तो हम दोषी हैं, अगर हमारे अंदर कोई दोष है तो उस दोष को त्यागना है। ओवरऑल हमें लगता है 2024 का जो चुनाव होगा विधानसभा का चुनाव बिल्कुल गंदा बढ़ेगा, बुरा भी बढ़ेगा। बस हमें संगठनिक तौर पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और अंतिम पायदान तक हमें अपने कार्य को ले जाने की आवश्यकता है। उसके बाद जिन मुद्दों को अपने एक मुद्दों की एक सूची बनाइए, उन मुद्दों को हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, उन मुद्दों पर हम फाइट कैसे कर सकते हैं, उस तरीके पर बताइए। उसके लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे भी हम लोग के नाम पर 13 FIR हो चुके हैं, 13 FIR में 353 लगाए, कहां क्या क्या लगा है, तो 14वां जो अगर FIR हम पे होगा तो हम लोग डरेंगे नहीं, उसका स्वागत करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि अब हमें राज्य की जो जनता विश्वास जताई है, पलामू प्रमंडल उसमें भागीदार बने। पलामू प्रमंडल से भी चूंकि यहां मोटा मोटी 9 सीटें आपके पास, नौ सीटों पर हम लोग कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़े, इस पर हमें काम करना चाहिए। मैं यही कहूंगा, आप भूल जाइए कि विधायक जी के पास क्या साधन संसाधन है, आप ये भी भूल जाइए कि सांसद जी के पास क्या साधन संसाधन है, आप ये भी भूल जाइए कि मंत्री जी के पास क्या साधन संसाधन है। बस आप एक ही चीज को याद रखिएगा, आप युवा है। और युवा शब्द को अगर पलट दिया जाए तो वायु बनता है, और वायु अगर विलुप्त हो जाए तो लोग मर जाएंगे। तो ये पूरे लोकसभा के चुनाव में साबित किया है, अब विधानसभा के चुनाव में आप साबित कीजिए कि भाई बिना भोजन के आप जी सकते हैं कुछ दिन, बिना पानी के कुछ दिन जी सकते हैं, बिना वायु के आप कुछ सेकंड नहीं जी सकते हैं। तो आप वायु हैं, आप युवा हैं, आप चाहेंगे तो पल भर में हमारी कमेटी का विस्तार पूरे पलामू प्रमंडल के तीनों जिला में और जितने भी हमें लगता है शायद 50 या 45 के आसपास प्रखंड भी होंगे, वहां तक हमारा संगठन पहुंचेगा। या वायु है, इस बात को अपनी ताकत को आपको पहचानना होगा कि आप हैं क्या। आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं, आप अपनी ताकत को कहां दिखाते हैं, नेताजी के साथ गुफ्तगू करते हैं, यहाँ नेताजी से गुफ्तगू की है, नेताजी के साथ एक फोटो खिंचाते हैं, नेताजी एक फोन उठा लिए तो आप गर्व महसूस करते हैं, आप थाना प्रभारी को गुलदस्ता लेकर जाते हैं फोटो खिंचा लेते हैं तो गर्व महसूस करते हैं, आप मंत्री जी के काफिले में अगर आपको इशारा कर दिया तो आपके मन में लड्डू फूटने लगा। अरे नहीं भैया, आप युवा हैं। आज भी मेरे स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि सर आप जो बचपन में क्लास में बोलते थे ना आप कर दिए। बोले क्या क्या बोलते थे सर? आप बोलते थे ना कि अगर कोई SP का नंबर अगर आप अपने मोबाइल में रखते तो ये बड़ी बात नहीं है, आप कुछ ना हो और फिर भी SP आपका नंबर अपने मोबाइल में रखेगा ये बड़ी बात है। किसी संवैधानिक पद पे नहीं है लेकिन हमारा नंबर रखते हैं। तो आज हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि आपको कहते थे कि कभी हमेशा किसी भीड़ का हिस्सा मत बनो, आप भी कुछ ऐसा काम करो कि उस भीड़ में आप वो लोग सुनने आए, आप वो सारे काम स्टार भी भेज सकते हैं, स्टार कमेंट कर सकते हैं, युवाओं को अपनी ताकत को पहचान स्टार कमेंट कर सकते हैं। युवा कहाँ है? झंडा ढोना है, युवा आ गया है। नारा लगाना है, युवा आ गया है। गाड़ी में पेट्रोल भर के रैली करना है, युवा आ गया है। तो विधायक बनना है तो युवा पीछे कहा जाएंगे? स्टार कमेंट कर सकते हैं, स्टार यही नेता लोग कहते हैं ना, युवाओं को आगे आना चाहिए, देश तभी बदलेगा जब युवा राजनीति में आएंगे, और जब युवा राजनीति में आते हैं तो ये नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए अब युवाओं को अपने माइंडसेट को बदलना होगा, हमें थोड़ा सा अभिमानी ना सही स्वाभिमानी बनना होगा, हमारा कुछ स्वाभिमान होना चाहिए। हम अपने स्वाभिमान को नेताजी के साथ एक चाय में गिरने रख देते हैं, हम नेताजी से चाय पी लिया घंटा चाय, हमें थोड़ा स्वाभिमानी बनना होगा।
आज हम सभी मानी नहीं है, इसीलिए आज हमारी दशा है। आज सही बात है, मेरा भी मानना है कि लोकतंत्र की खूबसूरती ऐसी हो कि सांसद महोदय उस मोहल्ले से गुजर जाए और मोहल्ले वालों को अपनी बात फर्क ना पड़े। आप वीआईपी कौन है, आप किस मार्का थोड़ी है, आप हमारी बदौलत है, हमारे वोट से आप लीडर हैं। तो अब युवाओं की सोच ये होनी चाहिए कि वो चिहुदरी नहीं करेंगे। नेता जी आप अपने अस्तित्व को, अपने क्षमता को, अपने सामर्थ्य को इतना मजबूत बनाए, इतना पावरफुल बनाए कि नेताजी आपकी प्रतीक्षा करेंगे, आप नेताजी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हमें वो दौर लाना है, इसलिए आज संघर्ष का समय है। नो डाउट जिस पत्थर पर जितने हथौड़े की चोट पड़ती है वही मूरत का रूप लेता है, वही पूजनीय होता है, उसे ही पूजा जाता है। तभी ये संघर्ष का दौर है, ये तकलीफों का दौर है। इन तकलीफों के दौर पे अगर हम लोग टिक जाते हैं तो हमें उम्मीद है कि झारखंड के लिए हम लोग एक नया सवेरा लेकर आएंगे। और सही में अगर झारखंड के दुख और दर्द को देखकर हम भी दुखी होते हैं, दर्द से भर जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि झारखंड के लोगों के दुख और पीड़ा का हरण कैसे हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेकर आए हैं, यूं घुमा देंगे और झारखंड की समस्याओं का समाधान होगा। जी नहीं, हम लोग एक प्रयास करने आए हैं और बिल्कुल झारखंड में समस्याओं का समाधान होगा उसके लिए हमारे राजनीति में जो बैठे लोग हैं उन्हें मजबूत होना होगा। वे कमजोर हैं इसलिए राज्य कमजोर है। जिस दिन सत्ता में बैठे लोग मजबूत होंगे ये राज्य मजबूत होगा। आप उदाहरण ले लीजिए बिहार से, आप उदाहरण ले लीजिए नायडू जी से। 16 सीट में और 12 सीट में देखिएगा नाक में नून कस कर रखेंगे सरकार का, लेकिन हमारे लीडर में ये हिम्मत नहीं है, हमारे नेताओं में ये सोच नहीं है। क्या गलत बोल रहे हैं? पूरा 5 साल अब नाक में नून कस कर रखेंगे और पहली बार आप देख रहे हैं मोदी जी की अगर फोटो खिंचा रहे तो अकेले रहेंगे, शेर अकेला वाला सीन भी खत्म हो गया है। अब शेर अपने साथ कुछ झुंड लेके भी चलने लगा है, लेकिन हमारे पास झारखंड में ऐसे लीडर नहीं है। झारखंड में डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट सेंट्रल को ही वोट करते हैं, यही सेंटर कभी हमें नहीं देख पाएगा। अगर दिल्ली को झारखंड को देखना होता तब तक देख चुका होता, और दिल्ली कभी नहीं चाहेगी कि झारखंड को देखे, क्योंकि दिल्ली झारखंड के खनिज से दिल्ली चलती है, और अगर झारखंड के लोगों को अगर मजबूत बना दिया जाए तो दिल्ली कैसे चलेगा। आज नीतीश कुमार अच्छा है बुरा है नो मैटर, लेकिन जब जब वे बदले हैं उनका पूरा बेस ही बदल जाता है। इसके मतलब कुछ तो बनने में है, वो 5 बार बदले चाहे 7 बार बदले। कभी सुना है उनका जो 52, 53, 45 विधायक किसी ने मीडिया ने क्या कहा, हम लोग का दिख में करा देगा उन्होंने कहा था यही परमंडल वाले क्या व्हाट्सएप में लिख दी ना। आज नीतीश कुमार अगर 7 बार बदले चाहे दर्जन बार बदले चाहे आधा दर्जन बार, कभी सुना है कि उनका कोई विधायक और विरोध किया है? इसका मतलब कुछ तो बात है, ठीक है दल बदलना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन कुछ तो है, उनका वोटर भी उनके साथ चला जाता है। यानी अगर वो स्विंग करते हैं उनके वोटर भी स्विंग करते हैं और उनके तमाम जो विधायक वे भी स्विंग करते हैं, तो इस हिसाब से अपने राज्य के लिए अच्छा ही कर रहे हो। तो लाइक कर झारखंड में भी ऐसा लीडर होना चाहिए कि दिल्ली को अपने इशारे पर, लेकिन हमारे पास एक भी लीडर नहीं है, चाहे आजसू गठबंधन वाले रहे चाहे जेएमएम गठबंधन वाले रहे, ये हमेशा दिल्ली की सुनते हैं कि तो दौड़ के दिल्ली चले जाते हैं। अपने आप को अगर ये मजबूत बनाते हैं तो आज हमें ये संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए हमें सीखना चाहिए दक्षिण भारत के स्टेट के से कि वहां लोकेलिटी की बात होती है, वहां अपने संसद को ताकतवर बनाने की बात होती है। हम यही घर बैठ के बोलते हैं नहीं दिल्ली में मोदी जी को इस बार देंगे, राहुल गांधी को देंगे, तो लीजिए पलायन की बात वही करेंगे, हमारे दर्द को वही सुनेंगे। इसलिए सांसद विधायक उनको चुनिए जो कम से कम वीडियो पे फोन लगा दें कि वीडियो साहब थोड़ा देख लीजिएगा मामले। अगर मोदी जी डायरेक्ट फोन लगा देंगे तो उन्हीं को चुनिए, आप कुछ नहीं कहेंगे। अगर राहुल गांधी डायरेक्ट थाना प्रभारी को फोन लगा देंगे तो राहुल गांधी को चुनिए, लेकिन अगर जरा भी आपको लगता है कि वे इन कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो उनके नाम पर मत चुनिए। अगर कोई नेता है तो उनके काम पर चुनिए और सबसे बात उसे खुद के दम पे चुनिए। अगर उसमें दम नहीं है भैया तो फिर ये मतलब रिमोट कंट्रोल वाला नेता ना चुने। ये जनता को बताइए, जनता को ये बताइए कि आपकी समस्या का समाधान भवनाथपुर में होगा, आपकी समस्या का समाधान गढ़वा में होगा, और तभी होगा जब एक बेहतर लीडर होगा। अगर आप दिल्ली देख के वोट करेंगे तो लीजिए दिल्ली आपको 5 किलो का चावल दे रहा है नौकरी की बात होगी। ये जनता को बताना होगा, ऐसा नहीं कि जनता सुनना नहीं चाहती, ऐसा नहीं कि जनता मानना नहीं चाहती है, जनता के बीच हम लोग नहीं जा पा रहे। जनता के बीच जाइए, अपना एक रोडमैप तैयार कीजिए, 15 दिन का हो, 30 दिन का हो, 45 दिन का हो, जो भी आप एक रोडमैप तैयार कीजिए, आप एक प्लानिंग कीजिए और उसके बाद
कार्य में लग जाइए और हम उम्मीद करते हैं अगली बार अगर पलामू प्रमंडल आना हुआ तो हम लोग बिल्कुल बंद कमरे में नहीं, क्योंकि ऐसे भी टाइगर बंद कमरे में अच्छा नहीं लगता है। तो अगली बार अगर हम पलामू प्रमंडल की धरती में कदम रखे हैं आज तो अगर कोई दिक्कत नहीं, 200 लोग रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो का छत हो और खुला आसमान हो और सामने उनका पोल खोलेंगे जो इस राज को लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है ये देखिए बंद कमरे, ये पंखा, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये टाइगर का नेचर नहीं है, ये हमारा करेक्टर ही नहीं है। हमारा करेक्टर वही होगा अब अगर पलामू प्रमंडल हम आए और फिर अगर हमें संबोधन करने का अवसर मिले तो खुला आसमान हो, खुली धरती हो और स्कॉर्पियो का छत हो। ये सभी होगा जब आप संगठन के विस्तार को गांव गांव पर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये नया क्षेत्र है, आपको स्वीकार करना होगा ये नया क्षेत्र है। लोग वही है, लोग चाहते हैं बदलाव, लेकिन समय लगेगा। हमें उम्मीद है आप समय बहुत कम समय में लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो ठीक है, विशेष ज्यादा नहीं, हम तुम्हें इतना ही कहेंगे। हम युवा अवस्था में है और युवा अगर चाहेगा तो बहुत कुछ होगा। मैं जाते जाते एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन की घटना है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट बचपन से चाहते थे कि एक सेनापति बने, एक बहुत बड़ा योद्धा बने। स्टार भी भेज सकते हैं, स्टार एक छोटी सी तलवार रखते थे खिलौने वाला। तो उनकी माँ उन्हें लेकर एक दिन एक ज्योतिष के पास गई। हम लोग भी ज्योतिष को कोई बहुत तरह तरह से बुलाते हैं, ज्योतिष यानी जो हाथ की रेखाओं को देखता है, स्टार भेज सकते हैं, भविष्य का अनुमान करता है। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट की माँ उस ज्योतिष के पास लेकर गई, शायद 10 से 14 वर्ष के बीच उनकी उम्र थी नेपोलियन बोनापार्ट की। उनकी माँ ने ज्योतिष से कहा इनके हाथ की रेखाओं को देखिए और गणना कीजिए कि इसका भविष्य कैसा होगा। तो ज्योतिष ने उनके हाथ की रेखाओं को देखा, गणना किया और साफ शब्दों में कहा कि इसका भविष्य बड़ा दुखमय होगा, इसे मैंने कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना होगा और बिल्कुल मैंने बहुत बुरा जीवन होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सवाल किया कि श्रीमान आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरा भविष्य बहुत बेकार है। बोला देखो बाबू तुम्हारे हाथ की जो लकीरें है ना, ये लकीरें ऐसा कह रही। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा अगर मेरे हाथ में लकीर ना होती तो, बोले बाबू ये तो विधि का विधान है, अब लकीर को कौन मिटाएगा, तुम्हारी तकदीर को कौन मिटा सकता है, ये तो विधि का विधान है। तो लकीर में है तो है, तुम्हारे जीवन में संकट आएगा तो आएगा क्योंकि तुम्हारी लकीरों में ऐसा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बड़ा खिलौने जैसा छुरी हमेशा रखते थे, अपने हाथों में रखा और एक बार ऊपर से एक बार नीचे से लकीरों के आर पार कर दिया। हाथ में लोहे की धारा बह रही थी और उस ज्योतिष के सामने हाथ को रखा, बोला श्रीमान अब तुम्हारे हाथ में लकीर ही नहीं, अब आप क्या करेंगे। अब लकीर की बात कर रहे था ना कि मेरे हाथों की रेखाएं, तो मेरे हाथ में तो रेखाएं नहीं है, मैंने रेखाओं को अपने तलवार की धार से काट दिया है। तो ज्योतिष ने यही कहा कि युवा में इस प्रकार का सुनो और सिद्ध हो तो विधि के विधान को बदल। आप युवा उन्हें उम्मीद है आपके पास कोई बहाना नहीं होगा, आप साधन संसाधन का बहाना नहीं करेंगे, आप समय का बहाना नहीं करेंगे, आप स्थिति परिस्थितियों का बहाना नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे और आपका अच्छा काम इस क्षेत्र में हमारे लिए एक नया आयाम लेकर आएगा, एक नई सवेरा लाने का कार्य करेगा। और इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे साथी, हमारे मित्र, आप सबों का धन्यवाद कि आप इस बदलाव